नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक्स की वैल्यू क्या है -5 और वाई की वैल्यू -7। अगर एक्स और वाई की वैल्यू छोटी है तो कॉन्ट्रैक्ट खुद कर दीजिए, अदरवाइज जो इक्वेशन है उसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिए ताकि क्वेश्चन को इजिली सोल्व किया जा सके। देखिए यहाँ पे 27x³ है, 27 को लिख सकता हूँ 3x² और 8y³ को लिख सकता हूँ 2y³। तो हम फॉर्मूला बना के देखते हैं 3x - 2y³ का, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का क्यूब दैट इज इक्वल टू a³ माइनस 3a² b प्लस का 3ab² माइनस b³, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है, a है 3x और 2y क्या है b, तो फॉर्मूला को खोलता हूँ तो क्या आएगा 3x³ यानी 27x³ माइनस, ठीक है ना, 3 और a² यानी 3x² 9x² गुना b यानी 2y, ठीक है, प्लस 3 a की वैल्यू 3 है x इंटू b² मतलब 2y² 4y² माइनस b³ मतलब 8y³, राइट। अब इसको लिखिए 27x³ माइनस 27 * 54 = 54x² y, और ये कितना आ जाएगा 36x² माइनस 8y³, ठीक है ना। ये है फॉर्मूले का एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन ये दी गई है 27x³ इसमें भी है और इसमें भी है, 8y³ इसमें भी है और नीचे फॉर्मूले में भी है। देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ 58 माइनस का 58x² y, और हमारे पास कितना है, हमारे फॉर्मूले में कितना चाहिए 54, तो यानी 4x² y क्या है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितना है 31x y², फॉर्मूले में कितना चाहिए 36, यानी 5 और जो है 5 क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ 5x y² घटा दो जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है नीचे वाली के बराबर आ गए, तो नीले कलर में है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये वाली 3x - 2y की क्यूब की क्यूब को लिख सकता हूँ, तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3x - 2y³, ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए 3x, एक्स की वैल्यू कितनी है -5, तो 3x की वैल्यू -15, ठीक है, और 2y की वैल्यू +14, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -15 + 14 - 1 - 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा माइनस, ये देखिए 4, यहाँ पे क्या करता हूँ प्लस का एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा -4x - 5y, ठीक है। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिखूँ -15 + 14 - 1 - 1 का क्यूब -5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी है -5 और -7 35 हो जाएगा प्लस का, अंदर क्या है एक्स की वैल्यू कितनी है -5, वाई की वैल्यू -7, 4 * 20 और 7 * 35 -, -+ हो जाएगा, तो 20 और 35 55, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए 55 और 35 की गुणा पॉजिटिव आएगी, उसमें से एक घटाऊंगा तो भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन मेरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 है और फोर्थ ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 है, तो यूनिट डिजिट से करता हूँ मैं, 35 को 55 से गुना करूंगा तो 25 यूनिट डिजिट क्या आएगा 5, और उसमें से एक घटा दूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4, ठीक है। तो यानी ऑप्शन जो पहला है वो सही आंसर है।